दो साल के इंतजार के बाद आखिर अब सरकारी स्कूल की छात्राओं को स्कूल जाने के लिए निशुल्क साइकिलें मिलने वाली हैं, यानी अब और इन छात्राओं को पैदल सरकारी स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। जल्द निशुल्क साइकिल वितरण का काम शुरू होगा। दूदू जिले में इन दिनों छात्राओं को मिलने वाली इन साइकिलों को तैयार किया जा रहा है। हालांकि अभी तक आधा सत्र बीत चुका है। साइकिल तैयार होते ही इसी सत्र में बालिकाओं को राज्य सरकार की ओर से साइकिलों का वितरण किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अधिकारी इन दिनों जिले के दूदू, मौजमाबाद और फागी ब्लॉक स्तर पर साइकिलों का तकनीकी परीक्षण कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं पास कर लेने वाली छात्राओं के लिए निःशुल्क साइकिल वितरण योजना 2011 में शुरू की गई थी। यह योजना दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। राज्य में पूर्ववर्ती सरकार की ओर से आखिरी बार नवंबर 2021 में मुफ्त साइकिलें बांटी गई थीं। बीते दो साल से सरकारी स्कूल में पढ़ रही छात्राओं को साइकिलों का इंतजार था, जो अब जल्द पूरा होने को है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने दो सत्रों की साइकिलों के वितरण की अगस्त माह में तैयारी शुरू कर ली थी और साइकिल खरीद के लिए सितंबर में टेंडर प्रक्रिया भी पूरी कर ली थी, लेकिन राज्य में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते साइकिलों का वितरण अटक गया। चुनाव संपन्न होने के बाद अब विभाग ने स्कूलों में साइकिल वितरण की तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक दूदू जिले के सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं उत्तीर्ण करने वाली पात्र 3214 बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल का वितरण किया जाएगा, जिसमें ब्लॉक दूदू की 1178, ब्लॉक मौजमाबाद की 1064 और फागी ब्लॉक की 972 छात्राएं शामिल हैं। जिला शिक्षा अधिकारी सुनील कुमार सिंहल ने बताया कि जिले में निशुल्क साइकिल का वितरण संभवतः 18-19 जनवरी तक शुरू कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने भी साइकिल वितरण को लेकर स्कूलों में तैयारी शुरू कर दी है।